कोई भी मानसिक बीमारियां है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, ओसीडी है, ये केवल सोच की प्रॉब्लम है। मानसिक बीमारी लगने की वजह बस इतनी ही है कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग में रहेगा, नेगेटिव एहसास में रहेगा, आत्मविश्वास टूटेगा तो मानसिक बीमारी का शिकार होगा ही होगा। समझदारी का मामला तो ये है कि मानसिक बीमारी लगने से पहले अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इतना खुद को सक्षम बनाया जाए, इतना कॉन्फिडेंस बनाया जाए, इतना पावरफुल बनाया जाए कि कोई भी समस्या के बाद भी आप नेगेटिव नहीं होने चाहिए और आपको मानसिक बीमारी लगनी नहीं चाहिए। दस अक्टूबर यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मतलब है विश्व मानसिक आरोग्य दिवस। अब इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है कि आज के समय में मानसिक बीमारी इतनी तेज़ से बढ़ रही है तो मतलब पूरी जनता भी परेशान है, WHO भी परेशान है कि इसको किस तरह से रोका जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि WHO, जिसको आप जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसमें बिलीव करता है कि दवाई से ही इलाज होता है। और हकीकत क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और प्रैक्टिकल भी आप समझ रहे हैं कि कोई भी मानसिक बीमारियाँ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, OCD है, ये केवल सोच की प्रॉब्लम है, ये फीलिंग की प्रॉब्लम है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति को अगर ठीक करना है तो व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव करना चाहिए, उसकी फीलिंग को पॉजिटिव करना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, तो व्यक्ति मानसिक बीमारी से ठीक भी हो जाएगा। तो व्यक्ति मानसिक बीमारी से ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो कोशिश हो रही है इसमें सिर्फ दवाइयां दी जा रही है, तो दवाई से किसी की व्यक्ति की सोच कैसे बदलेगी, इसका फीलिंग कैसे पॉजिटिव होगा, इसके अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इसका जवाब देना चाहता है कि करे तो करे क्या। और इससे क्या हो रहा है कि जो भी समस्याएं, जो भी मानसिक बीमारियां है वो बढ़ती जा रही है, ठीक होने के बजाय मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। सॉल्यूशन क्या करना चाहिए कि मानसिक बीमारी पैदा ही ना हो, ऐसे कदम उठाने चाहिए। मानसिक बीमारी लगने की वजह क्या है कि व्यक्ति लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग करता है, नेगेटिव एहसास में रहता है, उसका आत्मविश्वास टूटता है, तो मानसिक बीमारी का शिकार होगा ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है, समझदारी वाली बात यह है कि हम मानसिक बीमारी के शिकार होने ही नहीं चाहिए। और मेरी भी ये सोच है, मुझे आगे जाके ऐसा ही काम करना है कि मानसिक बीमारियां लगनी ही नहीं चाहिए। इसका पूरा पक्का इंतजाम भी है मेरे पास कि अगर इतना इतना करेंगे तो मानसिक बीमारियां लगने वाली ही नहीं है। अब करना क्या होगा? मानसिक बीमारी लगने की वजह बस इतनी ही है कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय नेगेटिव थिंकिंग में रहेगा, नेगेटिव एहसास में रहेगा, आत्मविश्वास टूटेगा तो मानसिक बीमारी का शिकार होगा ही होगा। तो इससे बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिस होती है। व्यक्ति को अगर सपोर्ट दिया जाए, तो प्यार दिया जाए, भरोसा दिया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो व्यक्ति मानसिक बीमारी से बच सकता है। इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना सक्षम बनाया जाए, इतना मजबूत बनाया जाए, इतना कॉन्फिडेंट बनाया जाए, इसका विल पावर इतना बढ़ाया जाए कि व्यक्ति खुद ही अपनी समस्याओं का सामना कर सके, अपनी समस्याओं से निपट सके, तो व्यक्ति ज़्यादातर नेगेटिव होगा ही नहीं, इतना टेंशन में आएगा ही नहीं, इतना नेगेटिव होगा नहीं, तो उसको मानसिक बीमारी लगने वाली ही नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट से भी, WHO को भी एक सवाल है, तो यही है कि मानसिक बीमारी के बाद आप इलाज देते हो, आप दवाइयां देते हो इतनी सारी, वो तो इलाज हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सही तरीका ये है कि ऐसे काम करने चाहिए कि व्यक्ति हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखे, पावरफुल रखे, स्ट्रांग रखे, एनर्जेटिक रखे, मानसिक बीमारी लगने वाली ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट या WHO ऐसी कोशिश नहीं कर रही है कि व्यक्ति पहले से ही बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल और स्ट्रांग रहे। इसके लिए कोई कोशिश की जाए, इसके लिए कोई कदम उठाया जाए, ऐसी कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। हमने ये कोशिश किया है कि जो भी लोग आज ठीक हैं, स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, उसको ये अभी से प्रैक्टिस बताया जाना चाहिए कि भविष्य में उसको मानसिक बीमारी लगनी नहीं चाहिए। समझदारी का मामला तो ये है कि मानसिक बीमारी लगने से पहले अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया जाए, इतना खुद को सक्षम बनाया जाए, इतना कॉन्फिडेंस बनाया जाए, इतना पावरफुल बनाया जाए कि कोई भी समस्या के बाद भी आप नेगेटिव नहीं होने चाहिए और आपको मानसिक बीमारी लगनी नहीं चाहिए। ये तरीका है ही। यानी कि इसके लिए कुछ अलग चीज नहीं करनी है। करना क्या है? हम सेंटर पर आपको जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, एफर्मेशन प्रैक्टिस, LLP प्रैक्टिस, CBT प्रैक्टिस और हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस,
ये प्रैक्टिस अगर कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल है, स्वस्थ है, ठीक व्यक्ति है, अगर ये हमेशा ये प्रैक्टिस करता है तो ये 100% तय है कि उसको कभी भी भविष्य में मानसिक बीमारी लगने वाली ही नहीं है। मानसिक बीमारी लगी है तो ठीक करना ही पड़ेगा, लेकिन कदम तो ऐसे उठाने चाहिए कि हमारे देश में किसी को मानसिक बीमारी लगने ही नहीं चाहिए, उसके कड़े इंतजाम होने चाहिए। हमारे अल्फा मेडिकल सेंटर से जो भी प्रैक्टिस हम बता रहे हैं वो मानसिक बीमारी का इलाज करती ही है, लेकिन जो लोग मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है वो भी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी पक्का है कि पूरी जिंदगी वो मानसिक बीमारी से बचे रहेंगे, कभी उसको मानसिक बीमारी नहीं लग सकती, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मामला ये है कि हम जो प्रैक्टिस बता रहे हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। हम जो प्रैक्टिस आपको बताते हैं, कराते हैं, वो पूरा प्रैक्टिस जनता तक पहुंचना चाहिए, पब्लिक उसको फॉलो करनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, किसी को भी कोई मानसिक बीमारी नहीं लगेगी। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सारी प्रैक्टिस स्कूल से ही शुरू करवानी चाहिए, ये सारा प्रैक्टिस सिलेबस में ही इन्वॉल्व होना चाहिए। ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, एफर्मेशन प्रैक्टिस है, NLP प्रैक्टिस है, CBT प्रैक्टिस है, हिप्नोसिस प्रैक्टिस है, वो सारी प्रैक्टिस बच्चों को शुरुआत में ही सिखा देनी चाहिए। ये सब सिखा देना चाहिए कि आप मन को शांत कैसे रखेंगे, आप खुद को रिलैक्स कैसे रखेंगे, आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, आप हिप्नोसिस प्रैक्टिस से मन के अंदर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ये अगर बचपन से सिखा दिया होता तो बच्चा अपना प्रोग्रामिंग, खुद पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके लाइफ को पॉजिटिव बना सकता था। जब इसका कॉन्फिडेंस टूटता है तो इसको ये सिखाया होता कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखेंगे, उसका प्रैक्टिस उसको शुरुआत से अगर बता दिया होता, सिखा दिया होता, तो किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन ही नहीं होता। किसी का भी कॉन्फिडेंस टूटने वाला ही नहीं है। हमारे बड़े नेता ऐसा नहीं चाहेंगे कि पब्लिक पावरफुल बन जाए, पब्लिक सक्षम बन जाए, क्योंकि अगर पब्लिक पावरफुल और सक्षम बन गई तो उसको उठाकर फेंक देगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब करप्ट है, वो सब नेगेटिव है, वो सब गलत है, पब्लिक को पता चल रहा है। लेकिन पब्लिक अभी इतनी कमजोर है, इतना वो सक्षम नहीं है, तो उसका सामना नहीं कर सकते, तो ये सब चल रहा है। लेकिन पब्लिक जिस दिन पावरफुल हो गई, सक्षम हो गई, तो ये सब गफला बंद हो जाएगा, हमारे सब नेता खतरे में आ जाएंगे, इसलिए वो इस तरह का कोई कोशिश ही नहीं करेंगे कि पब्लिक समर्थ और पावरफुल बन जाए। उसको तो यही इंटरेस्ट है कि पब्लिक बहुत कमजोर रहनी चाहिए, गरीब रहनी चाहिए, इसी तरह से ये होना चाहिए। इतने सालों से हम आज़ाद हो गए, समस्या वही की वही है जो आज़ादी के समय थी। 1947 में जो प्रॉब्लम थी, इससे प्रॉब्लम आज ज़्यादा हुई है, ना कि कम हुई है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि नेता तो ऐसा करना नहीं चाहते, तो करना किसको पड़ेगा, हमें, यानी मिडिल क्लास पब्लिक को सब करना पड़ेगा। और इसके लिए हमने कोशिश भी किया है कि हमने जो प्रैक्टिस बताया है लोगों को मानसिक बीमारी से ठीक करने के लिए, उसको हम अलग अलग NGO में, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, स्कूल कॉलेज में जाकर उसको ये प्रैक्टिकली बताते हैं कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप मानसिक बीमारी से हमेशा बचकर रहेंगे, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हमने जो हमारे सेंटर से प्रैक्टिस बताया है लोगों को मानसिक बीमारी से ठीक करने के लिए, जनता के लिए हम बिल्कुल फ्री में देते हैं, बिल्कुल एक रुपया चार्ज नहीं करेंगे। ये पूरे दिन का जो प्रैक्टिस होता है, वर्कशॉप के रूप में, अलग अलग शिविरों के रूप में, अलग अलग संस्थाओं में, बिल्कुल फ्री में करते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, इसके लिए आने जाने का भी, ट्रैवलिंग चार्ज भी हम नहीं लेंगे, हमारी संस्था ये खर्च करके ये सब लोगों को सिखाएगी। रिजल्ट अच्छा भी आ रहा है। लेकिन मामला क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश का 140 करोड़ से प्लस, तो हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितनी जल्दी से पहुंच सकते हैं, ये तो लंबा समय हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पहुंच नहीं सकता 140 करोड़ तक, जरूरत तो हर व्यक्ति को, 140 करोड़ लोगों को ये जरूरत है ये प्रैक्टिस की। जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है, चलो मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंस हूँ, मेरी फैमिली भी ऐसी होनी चाहिए, मेरी सोसाइटी भी इतनी स्वस्थ और पॉजिटिव होनी चाहिए, मेरा शहर इतना स्वस्थ और इतना पॉजिटिव, इतना मजबूत होना चाहिए। ये सोच बनेगी तो धीरे धीरे हर शहर ऐसे बनेगा और एक दिन पूरा देश बन जाएगा। यानी कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम एक, हमारा फैमिली, हमारी फैमिली को एक पॉजिटिव, एक स्वस्थ फैमिली बना सकते हैं तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ ही सकता है। लेकिन आज से हम तय कर रहे हैं, आज
वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हम तय करेंगे कि आज के बाद हम कभी भी नेगेटिव नहीं रहेंगे, कभी हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम दुखी नहीं रहेंगे। आज के बाद बहुत ही पॉजिटिव, पावरफुल, स्ट्रांग, एनर्जेटिक बनाए रखेंगे, हमेशा खुद को ऐसे ही स्थिति में रखेंगे। बस आप खुद तय कर लेते हैं तो दुनिया तो आगे बदल ही जाएगी। यस सर।